गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे को द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन द कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। इन द सिंपल मीनिंग बेटा, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि मान लो ए है, बी है, ठीक है बेटा, ए और बी है। अब इसको और इजी समझो कि मान लो हमारे पास कोई ए बी कंपाउंड है, ए बी मतलब कोई भी हाइड्रोजन कार्बन कुछ भी हो सकता है, एक को मैंने ए बी माना, तो इसमें से मैं क्या चाहता हूँ कि ए का इसमें ए कितना परसेंट है वो निकालना। तो इसके लिए आपको तो सिंपल सब, तो इसमें ए कितना है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी की स्टडी हमने इसमें करना है, ठीक है बेटा। ए कंपाउंड कंटेनिंग वो कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो, ठीक है। ए कंपाउंड कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइंड इन सर्टन फिक्स रेशियो, ठीक है। आपको ये मैं बता दूँ कि कोई भी जो कंपाउंड बनता है उसमें जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स होता है, यानी ए और बी का कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, ठीक है। जैसे H2O है, इसमें दो हाइड्रोजन ही होगा, एक ही वाटर होगा, चेंज कभी नहीं होगा, चेंज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपने बेटा थोड़ा सा ये वाला पोर्शन करना, ठीक है, उसके बाद एक ये फॉर्मूला करना है, ओके। अगर कभी भी आ जाएगा डिफाइन कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, तो आपने पहले बोलना है कि कंपाउंड कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट होता है, उस वो कंबाइंड होते हैं और उसकी जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। कॉम्पोजिशन कंपाउंड डिस्क्राइब बाय मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि मान लो मैंने क्या निकालना है, ए का मैंने किसका निकालना है, इसमें जो ए है वो कितना परसेंट है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ए। तो आप क्या करोगे, मास ऑफ एलिमेंट ए इन ए गिवन मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एक चीज़ तो आपको देख के पता लगी जाएगा ना, H2O है मान लो, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसका तो मास आपको पता ही है, चाहे आपको कंबाइंड नहीं पता कितना कितना परसेंट है, बस आप वैसे तो आपको पता ना हाइड्रोजन का एक होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मास ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है, अब मान लो कि हाइड्रोजन के निकालो, मास ऑफ एलिमेंट ए 1 लिखोगे, टोटल मास कितना है उसका, मान लो कि हाइड्रोजन 2 है तो उसका 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है तो 16 to 18, मतलब क्या आ गया 1, ऊपर मान लो आ जाएगा क्या 1, नीचे टोटल का मास 18 आ जाएगा, ये करोगे तो इसको करके जो आंसर आएगा आपका वो क्या निकल जाएगा, आपका मास ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ए। इसी तरह बी का निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, जो मास है बी का ये ए के लिए था, वही बी का निकालोगे तो क्या निकालोगे, जो बी के आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल मास 18 है, ये कर लोगे आपके पास बी का निकल जाएगा, ओके बेटा, यही तरीका होता है इसका। नेक्स्ट हमने करना है, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करना है हमने, जो पीछे के बेस पे, जो मैंने आपको पीछे कराया ना कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, इसी के बेस पे है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि 5.85 ग्राम का एक कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास क्या 5.85 ग्राम का एक कंपाउंड है, जिसमें से इतना मास है क्लोरीन का, इतना मास है सोडियम का, डिटरमाइन करना मास परसेंटेज ऑफ दोनों का, सोडियम और क्लोरीन। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टोटल मास लिखना है, फिर सोडियम लिखना है, फिर क्लोरीन का लिखना है, फिर आपने पहले किसका निकालना है, सोडियम का, जिसका मास निकालना है उसको आप लिख लो ऊपर, ठीक है, जिसका मास आपने निकालना है उसको आप लिख लो ऊपर, ठीक है। ऊपर का मतलब क्या, हमने सोडियम का निकालना है, यहां भी सोडियम का लिखना है और यहां भी सोडियम का लिखना है, बस ये याद रखना, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम और मतलब मास परसेंटेज ऑफ सोडियम और टोटल मास मल्टीप्लाई है आपके पास, ये आ गया। इसी तरह क्लोरीन का निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का निकालना है, मास ऑफ क्लोरीन लिखोगे अपन टोटल मास लिखोगे मल्टीप्लाई 100, ठीक है, आपके पास टोटल प्रोडक्ट आ गया, ये आपके पास आ गया दोनों का मास। नेक्स्ट है हाउ इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड डिटरमाइन फ्रॉम इट्स फॉर्मूला, ये रहने दो, ठीक है। इसका जो मेनली है ये नहीं आता पेपर में, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, इसमें ये सिखाएंगे कि उसको निकालते कैसे हैं। तो मैं दो दो बार समझाने की जगह मैं सीधा ही आपको न्यूमेरिकल में से करवा देता हूँ ये कैसे करते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ओके। न्यूमेरिकल नंबर एग्जांपल 3.8 हमने करना है, ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द H2O, ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल करना है सीधा ही, क्योंकि वो जो पीछे था वो टेक्निक था कि ये इसमें किया कैसे गया, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी आपका दिया हुआ ना वो फॉर्मूला लिख लो, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर क्या होता है लिख दिया, इसके बाद उसको ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन मतलब कि उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या है, दो हाइड्रोजन है, ए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मेड ऑफ टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, कर दिया ब्रेक डाउन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर क्या होता है, H2O मतलब टू एटम ऑफ H, ठीक है, ये लाइन लिखना है, लिखना नहीं तो ये सीधा यहां आ जाना,
मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर, टू एटम ऑफ एच है और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद सीधे ही उस पर नेक्स्ट स्टेप पे क्या आना है आपने, सबसे पहले आपने फॉर्मूला देखना है, फिर उसको आपने ब्रेक डाउन करना है, उसके अंदर क्या क्या है, कितना कितना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है, पहले तो ये है ना प्लस में है, फिर इसको उठाओ सीधा ही। एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना, 16 U, ठीक है। आपके पास कितना हाइड्रोजन है, 2, 2 × 1, ये आ गया। आपके पास कितना ऑक्सीजन है, 1, टोटल मास कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर दो, आ गया। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, बस पीछे की तरफ जो पीछे वाले न्यूमेरिकल के थे उसी की तरफ फॉर्मूला, अब यहाँ जाके वही न्यूमेरिकल बन गया पीछे वाला। हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन ऊपर अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई है, ये निकल गया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन ऊपर अपॉन टोटल मास, ये निकल गया ऑक्सीजन का। एक ये वाला न्यूमेरिकल भी करो, ये आपको लग रहा होगा सर कितना ज़्यादा टफ है, ठीक है बेटा, बट ये इजी है। क्यों इजी है, जो मैंने आपको अभी 3 ये वाला न्यूमेरिकल कराया है ना, इसमें मैंने थोड़ा लिख लिख के सारा बताया ना, तो इस न्यूमेरिकल में इन्होंने क्या किया, लिखा कुछ नहीं, डायरेक्टिव मतलब कि उसका मास पुट कर दिया। सोडियम कितना है, 2 है, एक ये Na को सोडियम बोलते हैं, सोडियम कितने है, ये 2 है ना हमारे पास, 2 लिख दिया मल्टीप्लाई 23, ठीक है, 2 सोडियम है, 1 का मास 23, ये लिख दिया। अभी देखो कार्बन कितना, 1 है और इसका मास 12 होता है, ये 3 है, इसका मास ये होता है, ठीक है बेटा। जितना जितना पुट कर देना, .10H2 मतलब कि आपके पास 20H है और 10O है, ठीक है। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई, ये हम जैसे मैथ का सवाल करते हैं ना उसी तरह, 2 मल्टीप्लाई 1, आप इसको और इजी कर लो, ये कितना है, 20H है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दो, 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 16, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप इन्होंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट रहने दिया, 10 को बाहर लिख कर कर लिया सॉल्व, और फिर सबको प्लस करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरिकल है ये वाला, ये आपने खुद करना है, ये नहीं मैं कराने लगा हूँ, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है ए बी सी अलग अलग दिया हुआ है, और सबका एटॉमिक मास यूनिट भी दिया हुआ है, ताकि आप निकाल सको, ठीक है। तो आपको पेपर में दो चीज हो सकता है बच्चे, जो चलो मैं एटॉमिक मास यूनिट दे दूंगा, ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अप टू 11 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर सोडियम तक, ठीक है बेटा, इसके मैं एटॉमिक मास यूनिट नहीं दूंगा। आपने अगर लिखना है तो लिख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम, ठीक है बेटा। 1, 2, 3, 4 होता है इसका, 5 होता है इसका, 6 होता है इसका, 7 होता है इसका, 8 होता है इसका, 9 होता है इसका, 10 होता है इसका, 11 होता है। ये तो हो गया इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की अगर बात करें, इसका 1 ही होता है, इसका क्या होता है, 4 होता है, तो इसका 4 होता है, इसका 6 होता है, वैसे 5.9 होता है, ठीक है, 8 लिखते हैं इसका, 9 होता है ये, सॉरी 10 होता है ये, ठीक है, इसको हम 12 लेते हैं, इसका 14 लेते हैं, इसका बेटा वैसे 12.08 होता है, चलो अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, 23, इसका 20.2 होता है, 18 होता है और इसका 16 होता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा आपको दे रहा हूँ, ये आपने बेटा खुद याद करना है, ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये अगर ये वाले न्यूमेरिकल्स मैंने डाल दिए तो ना मैं एटॉमिक नंबर डालूंगा, ना एटॉमिक मास डालूंगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पीरियोडिक टेबल भी सेंड किया था, ठीक है, आप वहां से भी ये देख सकते हो, बट इतना आपको लर्न होना चाहिए, अप टू 11, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, मोल कंसेप्ट, ठीक है बेटा। इसका आपने ये वाला डेफिनेशन करना है, ओके, ये जो मैंने बाकी दो लगाए हैं, अंडरलाइन किया है, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए। द मोल कंसेप्ट क्या होता है, क्वांटिटी इन टर्म ऑफ नंबर एंड मास, ठीक है। मोल कंसेप्ट में क्या होता है, क्वांटिटी को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ नंबर और मास में। दिस कंसेप्ट रिलेटेड टू द मास ऑफ एनी मटेरियल टू द नंबर ऑफ एटम, ठीक है, मास ऑफ एनी मटेरियल टू द नंबर ऑफ एटम, ओके। तो द मोल मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट, ठीक, मतलब ये क्या है कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जाके पूरा, मतलब क्या है, सेकंड डेफिनेशन भी आप कर सकते हो, बट इसके साथ आपको एवोगाड्रो नंबर लिखना पड़ेगा, पर थर्ड में जाके पूरा ही क्लियर हो जाता है ये डेफिनेशन।
द मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस के, एज देयर एज एटम्स एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन के बराबर। अब 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन क्यों आ गया, पीछे मैंने बताया था ना आपको कि हम स्टैंडर्ड मास किसका लेते हैं, कार्बन के लेते हैं। अब ये वाला डेफिनेशन आप करोगे, इससे पहले मैं एवोगाड्रो नंबर बता देता हूँ, कभी भी मोल कंसेप्ट में आप कोई भी न्यूमेरिकल आपको अगर आता है तो आपने क्या करना है, जो भी मास है उसको डिवाइड करना है एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है बेटा, जो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ए मोल इज द क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल विच कंटेन वन एवोगाड्रो ऑफ केमिकल यूनिट, ठीक है, एक मोल क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ कोई मटेरियल होता है जिसमें क्या होता है एक एवोगाड्रो नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल और आयंस होते हैं, इसे बोलते हैं मोल कंसेप्ट, ये मेन डेफिनेशन आपका, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसके जगह पे मैं आपको सीधा ही पेज नंबर 117 आपने नहीं करना है, ठीक है, मोल कंसेप्ट के बाद सीधा ही आपने एक न्यूमेरिकल करना है, इसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश है। पेज नंबर 117 आपने नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसी को आगे थोड़ा सा डिटेल्स में कराया गया है तो इसकी नीड नहीं है आपको। एक चीज याद रखना, अगर मैं यूनिट ऑफ मोल की बात करूं तो इसको हम लिखते हैं 1 mol, ठीक है, कभी भी लिखा होगा तो 1 mol लिखोगे, ये होता है यूनिट ऑफ मोल, ठीक है, मोल का पहले डेफिनेशन दोगे फिर यूनिट ऑफ मोल लिखोगे, ये आपका 2 नंबर का खत्म, यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसके बेस पे कभी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, इसके बाद आपने और कुछ नहीं करना है इस पेज में से, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं क्रॉस मार देता हूँ आपके सामने में, क्योंकि ये सभी आपका मेन जो था मोलर कंसेप्ट ये उसके बाद वही है, उसी को रिपीट किया गया बार बार, इसके बेस पे आपको ज़्यादा ज़्यादा एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल करने के लिए आपको 2 फॉर्मूले करने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक नेक्स्ट वाला, ठीक है, देखो ये कैसे करना है हमने, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन सर्टन मास ऑफ द सब्सटेंस, कितना मोल्स है, ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एन, मान लो कि हमने क्या रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस निकालना, इसके लिए क्या करोगे कि मास ऑफ द सब्सटेंस, सबसे पहले मास ऑफ द सब्सटेंस लोगे और उसको किससे डिवाइड करोगे, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल से, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस लोगे उसको मोलर मास ऑफ सब्सटेंस पर ग्राम से डिवाइड कर दोगे, ये बेटा एक फार्मूला। इसके बाद क्या है, सेकेंड फार्मूला क्या है, ये फार्मूला शायद आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, जब न्यूमेरिकल करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन ए सर्टन मास ऑफ सब्सटेंस, कितना मॉलिक्यूल्स है सर्टन मास ऑफ सब्सटेंस में, ये ज़्यादा क्लियर हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना मोल कंसेप्ट करने के लिए हमने 3 डेफिनेशन किया था ना, उसी तरह ये है मेन डेफिनेशन, जब भी आप कोई फार्मूला करोगे कोई भी न्यूमेरिकल करोगे तो ये वाला यूज होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मल्टीप्लाई किससे करना है, एवोगाड्रो नंबर से करना है, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, पीछे में क्या था, मास अपॉन मोलर मास, वही खत्म था, इसमें क्या, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, जो आंसर आएगा आपका, इसके लिए बेस पर न्यूमेरिकल देखो, हाउ मैनी मोल्स एमजी निकालना है 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, इतना है, एटॉमिक मास ऑफ एमजी कितना होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अलग होता है, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस ये है, एटॉमिक मास ये है, ठीक है, तो आपने क्या करना, मास अपॉन एटॉमिक मास, जब आपने इसको किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ बेटा ये आपका चैप्टर भी फिनिश है।